क्रम में बढ़ता चला जाएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में चलता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल हमारा ये होगा, पहला रूल क्या हम लिख सकते हैं, एडिशन हो सकता है हमारा, एडिशन करना होगा। दूसरा रूल सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, हो सकता है कुछ संख्याओं को छोड़कर उनको स्किप भी करना पड़े, जंप भी करके आगे जाना पड़े। हालांकि ज्यादातर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ही रूल फॉलो करते हैं और इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिसमें 2, 2, 2 ऐड करते जा रहे हैं तो वो बढ़ते क्रम में बढ़ता जा रहा है। उसी तरह दूसरा संख्या है जिसमें 100, 90, 80, 70, ठीक है। उसके बाद डैश 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 डैश, यानी 4 डैश दिया हुआ है, यहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी 100, 90, 80, 10। इसमें आप देख रहे हैं कितना का डिफरेंसेस है, इसमें 10-10 का डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, 10 घटते जा रहे हैं, यानी ये हुआ आपका 100 - 10 = 90, 90 - 10 = 80, 80 - 10 = 70, 70 - 10 = 60, 60 - 10 = 50, 50 - 10 = 40, 40 - 10 = 30, और 30 - 10 = 20, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें से क्या क्या यहाँ हो चुका है, ठीक है, और क्या क्या यहाँ हमें करना है। 100, 90, 80, 70, 100, 90, 80, 70, यानी अब हम यहाँ 60 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 40 लिखेंगे और 30 लिखेंगे, ठीक है। यानी ये हमको डिडक्शन के रूप में सब्ट्रैक्शन करके हमने इसको सॉल्व किया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भेजिए जाए व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कीजिए।